दादरी जिले के गांव बताली में द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट द्वारा संचालित कुश्ती एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही 17 वर्षीय पहलवान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला पहलवान रितिका दंगल गर्ल गीता व बबीता फोगाट की ममेरी बहन थी। बताया जा रहा है रितिका भरतपुर में हुए कुश्ती के फाइनल मुकाबले में हार गई थी। इसी बात से आहत होकर उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने दादरी के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के गाँव जैतपुर निवासी रितिका अपने फूफा महावीर फोगाट द्वारा संचालित एकेडमी में पिछले 5 वर्षों से प्रशिक्षण ले रही थी। उसने बीती 12 से 14 मार्च तक राजस्थान के भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर कुश्ती प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था, जहां पर वो फाइनल मुकाबले में हार गई थी, जिस कारण वो सदमे में थी। इसी के चलते रितिका ने देर रात गांव के बलालीस में महावीर फोगाट के घर पर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पाकर झुंझु कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्वजनों के बयान के आधार पर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई करते हुए दादरी के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया और शव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव जैतपुर में कर दिया। द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट के अनुसार भरतपुर से आते समय भी रितिका ने कुछ भी नहीं खाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।